shame, I give you more, but I see yourself. Oh, who does this? I keep this guy alive. In a bus, in a bus. Passe tu babu. Passe hai dagsa. Tere yaar bathe mere. Mera tu hi hai bas yaara. ओके सो गाइज, अभी आप लोगों ने जिस वाली वीडियो को प्रीव्यू पे देखा, गाइज अगर आप भी कुछ इस टाइप की वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग शुरू से लेके पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की सेम टू सेम वीडियो को कैसे बना सकते हो, वो भी काफी कम टाइम में। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने फोन की स्क्रीन पर और वहां पर चल के हम अपनी एडिटिंग को सीखते हैं। ऑलराइट गाइज, तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है अपने लाइट मोशन के अंदर। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैंने अपना ओपन कर रखा है लाइट मोशन को। अगर आपके पास नहीं है तो जाके आप लोग मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आप अपना लाइट मोशन ओपन कर लेते हो, सिंपल से यहाँ पर आपको प्लस वाले जो यहाँ पर आइकन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर 9:16 रेशियो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे गाइज आप लोग इतना कर लेते हो, अभी सिंपल से गाइज आपको प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाना है आपको ऑडियो पर। अब यहाँ से जो भी आपका ऑडियो है, जिस भी ऑडियो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो, उस ऑडियो को यहाँ पर आप अपने गैलरी के अंदर से या बोले तो फाइल के अंदर से सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर किसी वीडियो का ऑडियो लेना चाहते हो तो सिंपल से मीडिया वाले ऑप्शन पर आना और उस वीडियो पे क्लिक कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो आप लोगों ने प्रीव्यू पे वीडियो देखा उसी का मैं सॉन्ग लूंगा यहाँ पर, तो उस वीडियो को यहाँ पर मैं इम्पोर्ट कर लिया हूँ। और वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करूंगा, थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो हमारा वीडियो और ऑडियो अलग हो चुका है। अब सिंपल से गाइज यहां पर मैं क्या करूंगा कि सिंपली से वीडियो को क्लिक करूंगा और सबसे ऊपर डिलीट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहां पर डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद ना सबसे पहले आप लोग क्या करना कि अगर आप अदर सॉन्ग पर वीडियो बना रहे हो तो आप यहां से म्यूजिक को प्ले करके क्या करना कि सुन सुन के आप बीट लगा लेना। लेकिन अगर आप इसी सॉन्ग पर वीडियो बना रहे हो तो यहां पर जो बीट मैं आपको बताने वाला हूं सेम उसी बीट पे आपको कुछ इस तरीके से, पहला बीट जो आपका रहेगा राइट 3 सेकंड में रहेंगे और जो दूसरा बीट है गाइस आपका रहेगा राइट 6 सेकंड में। ठीक है, तो राइट 6 सेकंड में हम कुछ इस तरीके से आते हैं और एक बीट लगा देते हैं और अगला जो बीट रहेगा गाइस वो रहेगा आपका 9:15 पे। ठीक है, तो 9:15 पे आते हैं और एक बीट यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से टोटल आप 3 बीट लगा लेना। अब जैसे गाइज आप लोग इतना कर लेते हो, अब सिंपल से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, सॉरी मीडिया पर नहीं जाना है, सेप पर ही रहना है और यहां से आपको एक सेप सेलेक्ट कर लेना है। सेप सेलेक्ट करने के बाद साइड से पकड़ के सेप को पूरा फुल स्क्रीन पे कर देना। इतना करने के बाद इस सेप को पूरा लास्ट तक कर देना, ठीक है, जहां तक आपका ऑडियो है। अब इतना करने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है आपको और सेप वाले लेयर पे क्लिक करके कलर पे जाना और यहाँ पे ये वाला कलर रख देना। और अगर आपको कम लगे तो यहां पर आप जाके यहां पर जाके आप लोग थोड़ा सा इसको और पीछे करके और थोड़ा डार्क कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को इतना सही लग रहा है, मैं इतना ही रखूंगा कलर। ठीक है, इसका अब जैसे आपका इतना हो जाता है तो चलो अब हम अपना लिरिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा एक दो लिरिक्स रहते हैं उसमें अलग अलग एनिमेशन रहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अभी आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहां पर टेक्स्ट पर आना है और यहां पर जो आपका लिरिक्स है वो यहां पर टैप कर लेना। और ये याद रखना स्टार्टिंग का जो भी आपका जो वर्ड है उसको कैपिटल में रखना। ठीक है, तभी हमारा जो लिरिक्स है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि देखो मैं कुछ इस तरीके से अपना लिरिक्स लिख दिया हूं। अब इसको मैं बीच सेंटर में करूंगा और यहां पर रोबोटो रेगुलर पर जाके एक फॉन्ट का नाम है गाइस जस्ट राइट डेमो, वो मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर। उस फॉन्ट को डाउनलोड करके यहां पर आप लोग सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर कलर पे जाना, यहां पर देख सकते हो कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और यहां से आप व्हाइट कलर सेलेक्ट करके इसको कर देना ओके। एंड यहां से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना और इसको क्या करना थोड़ा बड़ा कर देना कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि यहां पर देख सकते हो। अब इसकी जो लेंथ है कहां तक रखना है आपको, फर्स्ट बीट तक। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड टेक्स्ट पर जाना है और यहां पर गाइज आपको कुछ इमोजीज वगैरह यहां पर लगाना होगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये वाला इमोजी रख देता हूं। ठीक है, यहां पर जैसे कि देख सकते हो और एक ये वाला इमोजी, चलो एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूं। ठीक है, अब इसको भी हम बीच सेंटर में लाएंगे एंड अभी हम क्या करेंगे रोबोटो रेगुलर पे जाएंगे और एक और मैं फॉन्ट दे दूंगा जिसका नाम है iOS 13x TSE। ठीक है, तो ये वाले फॉन्ट को आप जब भी यहां पर सेव जो भी है क्या बोलते हैं इसको इमोजी जब भी सिलेक्ट करते हो तो यही वाला आप ISO 13 ये वाला आप यहां पर फॉन्ट सेलेक्ट करना और कलर पे जाना। यहां पे कलर पे जाने के बाद यहां पर क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर देना। ट्रांसपेरेंट करने के बाद इसको ओके करना। अब देखो यहां पर आप ट्रांसपेरेंट करोगे तो यहां पर आपका दिखने लग जाएगा इमोजी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा करना कुछ इस तरीके से और यहां पर बढ़िया से रहने देना। ठीक है, अब इसको अभी हम यहां तक रख देते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा बन गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को यहां से करना है ग्रुप
एंड मतलब सेलेक्ट करना है इस तरीके से अपने लिरिक्स को और अपने इमोजी को, और यहाँ से कर देना है इसको सबसे ऊपर ग्रुप। ठीक है, अब इतना हो चुका है, अब चलो हम इसमें एनिमेशन भी डालते जाएंगे। एक तरफ से मैं बताते भी जाऊँगा और एक तरफ से एनिमेशन डालना भी बताते जाऊँगा आपको, ताकि आप लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को सीखते जाओ। ठीक है, क्योंकि इकट्ठा फिर मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों का माइंड इधर उधर ज़्यादा नहीं काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कि चलो यहाँ पर क्या देखा होगा आप लोगों ने, नीचे से ऊपर फॉन्ट हमारा जो लिरिक्स है वो जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, एक की फ्रेम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक की फ्रेम यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब मैं जाऊँगा स्टार्टिंग में, अब इसको हम क्या करेंगे, पकड़ के कुछ इस तरीके से जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है ना सेंटर पे, इसी लाइन को मिलाकर, ठीक है, इसी लाइन को मिलाकर आपको पूरा इसको नीचे लेकर आना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से नीचे लेकर आना, आने के बाद थोड़ा सा बीच में जाना, यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे देना है। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका जो लिरिक्स है वो देखने को मिलेगा स्टार्टिंग का। ठीक है, इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलेगा। अब इतना जैसे ही हो जाता है, अब आपको आगे का लिरिक्स लिखना है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने बीट पे। ठीक है, यहाँ पर का तो हमारा हो गया फर्स्ट बीट का, अब सेकंड बीट पे सेकंड हमारा लिरिक्स पे आएंगे और यहां पर फिर से जो भी है हमारा लिरिक्स वो लिखेंगे। तो यहां पर कुछ इस तरीके से मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहां पर, ठीक है, कुछ इस टाइप से एक पास से ए जग सारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा लिरिक्स, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसको सेंटर में रखेंगे, रोबोटो रेगुलर पे जाएंगे, जस्ट राइट डेमो, यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, अब तो लिरिक्स लिखना जान जाओगे आप लोग, बहुत ही इजी है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, बड़ा करना कुछ इस तरीके से इसको। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ से इसको यहाँ तक रखना आपने आगे वाले बीट तक। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि आगे के मुकाबले थोड़ा सा छोटा लग रहा है इतना। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हमको इसमें भी अपना जो लिरिक्स में एनिमेशन है वो डालना है, तो उसको करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं जाएंगे, बैक करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर से इफेक्ट पर जाएंगे एंड इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर एड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो भाई थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहता काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाए, आप कम ड्यूरेशन की वीडियो में अच्छे से सीख जाओ ये चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है कुछ कुछ चीज़ें बोलने में, तो ज़्यादा माइंड मत करना, आप लोग आराम से देखो। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पर आते हो एड इफेक्ट पे, तो अभी आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है, रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक की फ्रेम देना है और यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर पीछे जाके इसका जो स्टार्ट का पॉइंट है ना इसको पूरा 100 कर देना आप लोग। ठीक है, अब नीचे जाना और यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना, यहाँ पर लेटर पे क्लिक करके इसको वर्ड कर देना, वर्ड करने के बाद कंपोनेंट कर देना इसको। अब थोड़ा और नीचे आके इसका अल्फा जो है इसको -1 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका ये अगला एनिमेशन बन जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो। ठीक है, जैसा आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा होगा। अब हमको यहाँ भी इमोजी वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ पर जाएंगे, फिर से टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी हमारा इमोजी है वो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है, पहले हार्ट रखते हैं, पृथ्वी रखेंगे, उसके बाद ये वाला रख देते हैं। ठीक है, अब इसको भी सेंटर में करके यहाँ पर जाएंगे, ISO वाला फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, कलर पे जाके इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे कुछ इस टाइप से, ओके करेंगे एंड इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके थोड़ा नीचे लाएंगे यहाँ पर एंड इसको छोटा कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब इसकी भी जो लेंथ है कहाँ तक रखेंगे, अपने आगे वाले बीट तक। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इतना बन चुका आपका, थोड़ा सा और नीचे कर देना है, थोड़ा इमोजी हमारा ज्यादा ऊपर लग रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से बन गया। अब देखो स्टार्टिंग का हमारा कुछ ऐसे बन गया और हमारा इधर का भी कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, अब हम मेन चीज पे आते हैं, जो हम हार्ट में अपना फोटो वगैरह ऐड करते हैं ना उसको कैसे करना है। तो उसको ऐड करने का भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान से देखना। अब आगे आ जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा हार्ट शेप, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर देखो। ठीक है, तो अलाइट मोशन के अंदर मिल जाएगा हार्ट शेप, तो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप तो देख लेना कितना बड़ा आप रखना चाहते हो, तो मैं कुछ इतना ही बड़ा रखना चाहूंगा कुछ इस तरीके से। अब इसकी जो लेंथ है कहां तक हम रखेंगे, यहाँ आगे तक। ठीक है, इतना करने के बाद स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इस शेप वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर जाएंगे, एड इफेक्ट पर जाएंगे एंड अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके गोशन ब्लर ऐड करेंगे, गोशन ब्लर सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हल्का सा आपका ब्लर हो जाएगा, तो ज्यादा मत करना, हल्का सा करना। ठीक है, कुछ इतना, ओके। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और आपको फर्स्ट फोटो सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो, फर्स्ट फोटो मैंने ऐड कर लिया, इसकी लेंथ हम यहाँ तक रख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपका शेप है ना इसको सेलेक्ट करके आपको इसको ऊपर कर देना है, शेप वाले लेयर को ऊपर कर देना है। अब इन फोटो को और शेप वाले लेयर को सिलेक्ट करके
यहाँ पर आपको इसको कर देना है ग्रुप एंड मास्क। तो देखो फोटो हमारा अंदर हो जाएगा हार्ट के। अब इस ग्रुप वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप पर आएंगे, अब फोटो पे क्लिक करेंगे। अब फोटो को यहाँ से छोटा करके आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मैं इतना ही रखूंगा, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। अभी हम यहाँ से इसको बैक कर देंगे। तो देखो कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है हमारा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे, अब हमारा जो यहाँ का आगे का लिरिक्स है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आगे का लिरिक्स है वो लिख लेते हैं। तो जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग का जितना भी वर्ड है आपको कैसे लिखना है, स्टार्टिंग का पूरा कैपिटल में लिखना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइज अगर बाहर से नॉइज आ रही होंगी ना तो उसको उन सारी चीजों को इग्नोर करना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ने, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमने लिख दिया अपना लिरिक्स। सीधा करूंगा इसको एंड कलर पे जाके यहाँ से व्हाइट कलर देंगे, रोबोटो रेगुलर पे जाके जस्ट डेमो वाला सेलेक्ट कर देंगे एंड इसको नीचे करेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से जैसा कि देख सकते हो, आप बड़ा करेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बड़ा करने के बाद इसको बढ़िया से यहाँ पर हम सेट कर देंगे बीच सेंटर में। अब देखो इसका भी जो लेंथ है ना, आपको कहाँ तक रखना है, इसको अपने आगे वाले बीट तक, बोले तो फोटो जहां तक है आपका। ठीक है, अब इतना करने के बाद गाइज अब आपको करना क्या है कि सिंपली से ना आपको यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वाला जो आपका यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा आप लोगों ने इफेक्ट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे जाना और यहाँ पर क्या करना है, इसका यहाँ से लेयर इफेक्ट कॉपी करना और आगे आके इस पे क्लिक करके यहाँ से क्या करना, आप इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, इमोजी हमारा कुछ इस तरीके से हटके जाता है। ठीक है, तो इमोजी ऐड करने के लिए जो भी इमोजी रखना चाहते हो वो इमोजी रख लेना। जैसे कि मैं ये वाला इमोजी रखना चाहूंगा, सेंटर में करूंगा। अभी इसका जो कलर, सबसे पहले तो आईएसओ सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर पे जाके ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ओके करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे। पहले तो आगे करके देख लेते हैं सेंटर इसका। ठीक है, और थोड़ा सा हार्ट को और बड़ा करते हैं, ठीक है, अपने इमोजी को, और इसको हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, रखने के बाद इसका सबसे पहले तो लेंथ कहाँ तक रखना, जहां तक आपका फोटो है। ठीक है, अब यहाँ पर आना, यहाँ पर आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे एक की फ्रेम लगाना। ठीक है, अब यहाँ आके इसको क्या करना, पूरा कुछ इस तरीके से खींच देना। ठीक है, देख सकते हो कुछ इस टाइप से करने के बाद इतना सेंटर में रखना है, ध्यान रखना। इतना करने के बाद बीच में आना, ग्राफ को कुछ इस तरीके से दे देना। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर ये देख सकते हो बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका ये इतना हो जाता है, ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अभी आपको अपना जो लिरिक्स है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है और अपने हार्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहां से इसको ग्रुप कर देना है। तो देखो कुछ इस तरीके से आप यहां आपका ये बन गया। ठीक है, बहुत सही तरीके से। अब इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, इस जो फर्स्ट में आप लोगों ने हार्ट वाला बनाया था इस पे सेलेक्ट करके इसको कॉपी करना है यहां से। ठीक है, यहां से जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो आगे का भी हमारा काम हो गया, बाकी हम इसको यहां से कट कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब इतना करने के बाद यहां पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना, फोटो पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पर जाना और यहां से आप अपना सेकंड फोटो जो भी आपका वो ऐड कर लेना। ठीक है, तो सेकंड फोटो ऐड कर लेता हूं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके बढ़िया से सेट कर लूंगा। सही लग रहा है, आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे आपको सेट करना है। ठीक है, तो देखो यहां पर ये भी हमारा हो चुका है। अब हम यहां से क्या करेंगे गाइस कि यहां से हम जो ग्रुप टू किए थे इसको भी हम यहां से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और आगे जाके यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको भी कहां तक रखेंगे हम, जहां तक हमारा ये है, यहां पर ये देख सकते हो। ठीक है, कट कर देंगे बाकी। अब यहां पे जाएंगे, एडिट ग्रुप पर जाएंगे, सबसे पहले तो लिरिक्स पे क्लिक करेंगे और लिरिक्स को पूरा कट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, और लिरिक्स जो अगला है हमारा वो लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जितना भी लंबा सॉन्ग है आपका, ठीक है, बस इसी तरीके से बस कॉपी कर करके पेस्ट करते जाना और बस एडिट पे जाके और बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, लिखते जाना है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस टाइप से जैसे कि देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 11 कुछ इस टाइप से कर देते हैं। ठीक है, एंड ओके करेंगे, सॉरी यहाँ से ओके करते हैं और बैक करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से ये आगे भी हमारा हो गया है, थोड़ा सा ही ज्यादा हो गया, तो इसको मैं हल्का सा बीच सेंटर में रख दूंगा। और इमोजी भी चेंज करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर जाना, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसी पे एडिट ग्रुप पे यहाँ पे, और इमोजी पे भी जाके इमोजी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कर लेना, अब मैं वही चीज बार बार नहीं बताना चाहता सेम चीज आपको। तो देखो इतना ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर देखो सब कुछ हो चुका है। अब हमको एनिमेशन डालना है, हार्ट में ऊपर से आता है, नीचे से आता है, वो सब कैसे करना है, उसको करने का यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस चीज का यूज करेंगे, नल का। तो नल को कैसे यूज करते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, चलो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इधर लिरिक्स को हमको तो नहीं छोड़ना है, हमको क्या करना है, अपने फोटो को ऊपर नीचे, अपना स्लाइड डाउन स्लाइड अप, ये सब करना है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल से अपने फोटो वाले लेयर्स के पास आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बीट के पास प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पर नल को सिलेक्ट करके नल का जो यहाँ पर जो लेंथ है ना पूरा वीडियो के एंड तक रख देंगे। ठीक है,
अब सबसे पहले ग्रुप एड मास्क यहाँ पर दिख रहा है रेड कलर का, नीचे वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके इसको नल वन से कनेक्ट कर देंगे। सेकंड वाले को क्लिक करके यहाँ पे भी इसको नल वन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे भी जाएंगे और इसको भी नल वन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इसके ऊपर वाला भी इसको हम नल वन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो नल वन से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, नल पे, नल वाले लेयर पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, एक की फ्रेम लगाना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे की फ्रेम नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाना है। अब स्टार्टिंग पे जाना है, अब आपको इसको लेके जाना है कहाँ, ऊपर। ठीक है, जैसा कि देखो ये जो रेड लाइन है ना, इस पे मिला के ले जाना आप लोग ऊपर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ऊपर ले गया मैंने यहाँ पर। अब मैं बीच में आऊंगा, कुछ इस तरीके से मैं ग्राफ दे दूंगा। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये एनिमेशन ये देख सकते हो बन गया कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब आगे का भी एनिमेशन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आगे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके की फ्रेम लगा देना, यहाँ पर आना और थोड़ा सा यहाँ पर जाके इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर देना। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो बाहर से नॉइज आ रही है, तो इग्नोर करना भाई, बहुत बड़ी ट्रक जा गई है अभी। ठीक है, हाँ तो इधर देखो आप ध्यान दे इधर। ठीक है, बाहर नहीं, तो इसको क्या करना है आप कुछ इस तरीके से नीचे कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये जो रेड लाइन है ना आपका मिला रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपका बराबर सिधाई में होगा। अब बीच में आके कुछ इस तरीके से इसको भी ग्राफ दे देना। ठीक है, सो अभी जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। सो अभी अगर मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो यहां पर देख सकते हो जैसा गाइस आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा था, सेम उसी तरीके से यहां पर मैंने जो आपको वीडियो को एडिट करके बता दिया है। यहां पर थोड़ा सा आपको ब्लर देखने को मिल रहा होगा, पता नहीं मेरे लाइट मोशन के अंदर ये प्रॉब्लम है, बट सेव होने के बाद बिल्कुल HD में चलता है और बहुत ही स्मूथ चलता है। एंड आई नो आपको म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा होगा बिकॉज कॉपीराइट का प्रॉब्लम है और मैंने माइक भी कनेक्ट कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये सब सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, पता नहीं यार आज क्या हो रहा है, इतनी सारी गाड़ियां क्यों चल रही है आज बाहर इतना, वो भी इतने रात में 11 बजे। तो यहां पर देखो इसी तरीके से गाइज आपको भी कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करना है। एंड आई होप गाइज आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे कैसे क्या कुछ करना है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो को एडिट करने में कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप मेरे को कॉमेंट करके बताना, आपके कॉमेंट का रिप्लाई मैं आपको जरूर से करूंगा। एंड यहां पर नल के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ गया होगा, अगर नल के बारे में और अच्छे से आपको डिटेल में जानना है तो मेरे को कॉमेंट करके बताना, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कि नल का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ये जो वीडियो है गाइस हमारी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।